सबसे बड़ा रक्षा सौदा। तो कुछ तारीखें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक अंतरराष्ट्रीय टेंडर निकला था 126 विमानों की खरीद। 2012 की जनवरी में यह टेंडर खुला और L1 डसॉल्ट नाम की कंपनी है फ्रांस की, उसके हित में उसके पक्ष में यह टेंडर गया। उसके बाद नेगोशिएशन हुई, जैसा कि होता है, इतना बड़ा सौदा होता है तो मोल भाव भी होता है। इस सौदे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, नंबर एक टेंडर से था, नंबर दो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी था कि तकनीक भी हमें मिलेगी। 18 विमान वहां से हम लेंगे, 108 हिंदुस्तान में बनेंगे। मेक इन इंडिया जो आज नारा देते हैं, उससे बहुत पहले कांग्रेस सरकार ने यह डील में एक हिस्सा बढ़ाया था इसको कि HAL हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान में बनाएगा 108। खैर सरकार हमारी चली गई, फिर आई मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार ने इस विषय में कुछ खास किया नहीं। 2015 में अचानक एक दिन मोदी जी को सूझा, पेरिस गए, 36 विमान बिना टेंडर के डसॉल्ट से खरीदने की घोषणा करी। चलिए यहां तक भी ठीक है, प्रधानमंत्री जो चाहेंगे, साथ में अनिल अंबानी को भी लेकर गए, वो भी ठीक है, चलिए उनके दोस्ती होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम किस कीमत पे ले रहे थे? 526 करोड़ का एक विमान टेंडर से ले रहे थे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ला रहे थे और 526 करोड़ एक विमान का दे रहे थे। मोदी जी ने 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया पहले तो, नंबर दो बिना टेंडर के, नंबर तीन 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में डील कर गया, नंबर चार इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था, नंबर पांच जो बहुत गंभीर है कि जो इंटेग्रिटी क्लॉज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नो करप्शन क्लॉज, ये हर रक्षा सौदे का एक अभिन्न अंग होता है, मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके ये क्लॉज हटवा दिया, क्योंकि फ्रांस की कंपनी चाहती थी ये क्लॉज नहीं रहे। हम तब भी आपत्ति उठाते रहे कि क्यों हटाए ये क्लॉज, क्यों हटा, अब उसके जवाब मिल रहे हैं हमें। मैं आज फिर आपके सामने अगर राफेल की बात करने आया हूं तो कुछ नए तथ्य सामने आए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी आए। अब समझ में आता है कि मोदी जी ने ये नो करप्शन क्लॉज क्यों हटाया। 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के दो पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा साहब और अरुण शौरी जी सीबीआई को एक शिकायत देकर आए राफेल। 4 अक्टूबर 2018 बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, आपको याद रखनी चाहिए। और 11 अक्टूबर को यह नया तथ्य सामने आया कि 11 अक्टूबर को मॉरिशियस के अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई को कुछ और फाइल दी, एक दलाल का नाम था उसमें, सुषेण गुप्ता उसका नाम, कि ये सुषेण गुप्ता को राफेल से कुछ भुगतान हुआ है। ये 11 अक्टूबर 2018 की बात, 4 अक्टूबर को शिकायत होती है, 11 अक्टूबर को नए तथ्य आते हैं और 23 अक्टूबर को क्या होता है, 23 अक्टूबर को सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटा दिया जाता है, आलोक वर्मा उनका नाम। रेड होती है, यह भी इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में सीबीआई के मुख्यालय पर रेड डाल और डायरेक्टर के ऑफिस में रेड डाल, ताले बदल दिए। हमने तो सोचा सुना था कि कोई शिकायत होती है तो इंक्वायरी ऑर्डर होती है, इंक्वायरी नहीं ऑर्डर की मोदी जी ने, उल्टा सीबीआई डायरेक्टर को बाहर का रास्ता दिखाया और अपने चहेते ऑफिसर नागेश्वर राव को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया। यह नया तथ्य है कि मॉरिशियस के अटॉर्नी जनरल ने इनको सूचना दे दी थी, इनके पास ये सूचना थी कि कुछ भुगतान डसॉल्ट ने सुषेण गुप्ता को किया है। अब जांच से क्यों डर रहे हैं? चौथा एक नोट मिला, 24 जून 2014 की तारीख, उस नोट पर नोट सुषेण गुप्ता ने डसॉल्ट कंपनी को लिखा कि मैं आपकी बैठक केंद्रीय नेतृत्व से हिंदुस्तान में करवा सकता हूं। केंद्रीय नेतृत्व उस वक्त कौन था?
24 जून 2014 को मोदी जी को शपथ लिए हुए एक महीना हो चुका, तो मोदी जी की सरकार में बैठक कराने का वादा सुषेण गुप्ता कर रहा है डसॉल्ट कंपनी से। ये 5 कागज, 1200 कागज हैं, लेकिन मैं 5 की बात कर रहा हूं। ये 5 कागज आज बताते हैं कि मोदी जी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। 5 साल से जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है रफेल पे, तो किसी कारण से कर रही है। कारण क्या है फिर से दोहरा देता हूं। 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा, बिना टेंडर के खरीदा। 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया, जो कि हमारी सेना की सुरक्षा, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। और ये सारी जानकारियां आपके पास है कि दलाल है। आपने नो करप्शन क्लॉज क्यों हटाया, किसके कहने से हटाया, क्या दबाव है आप पर, या आप खुद, क्योंकि आप खुद गए थे खरीद, आप हर जगह हस्तक्षेप कर करके कीमत भी जो इंडियन नेगोशिएशन टीम थी वो 5.9 बिलियन यूरो में ये 36 विमान खरीदने की बात करती थी, मोदी जी ने हस्तक्षेप किया, खुद हस्तक्षेप किया। फाइल नोटिस है, हम नहीं बोल रहे, सार्वजनिक पटल पर है सारी जानकारी। हस्तक्षेप करके 7.87 बिलियन यूरो, जो दसवां कीमत चाहता था उस कीमत पर हमने 36 विमान खरीद लिए, बिना टेंडर के खरीद, बिना नो करप्शन क्लॉज के खरीद। हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं, 5 मुद्दे हैं, इन 5 मुद्दों में आप 5 years, I remember 2017 the first press conference on this issue. Why is it such an important issue and why do we keep coming back to this is a question which obviously you will ask. A lot of new facts have come out since we last spoke about Rafael. So I'll just recapitulate what has happened so far in Rafael and then we'll come straight to the new facts. Under Dr. Manmohan Singh's government, there was a proposal, there was an international tender, global tender, to buy 126 fighter jets for the Indian Air Force. January 2012, the tender opened and the L1 was Dassault. Then the negotiations started, obviously it was a big deal, therefore negotiations had to take place. The key features of this tender were that 18 aircraft would be in flyaway condition taken from France, and 108 would be manufactured in India under transfer of technology. Per aircraft price was 526 crore. These were the key features of that deal. Of course, that deal could not fructify. We lost our elections. Mr. Modi's government came in 2014. For 1 year, they did nothing. But in 2015, Mr. Modi goes to Paris along with his friend Anil Ambani, decides to buy 36 aircrafts off the shelf from Dassault. Guess what's the price? 1670 crores. Something which we were buying for 526 crores, Mr. Modi goes and pays 1670 crores. Without a tender, without transfer of technology. Then we, of course, everybody started talking about it. Local media, international media, Congress party. I think the first press conference was by Rahul Gandhi on this. Now the new facts that have come up, which has brought me to Mumbai, and I'm told these days press conferences in Mumbai get very well covered across the country. So, on 4th of October 2018, two former ministers of the BJP, Mr. Yashwant Sinha and Mr. Arun Shori, went and filed a complaint to the CBI director on Rafael. On 11th October, same year, same month, 2018, the government of Mauritius, through its attorney general, supplied the CBI with some highly incriminating documents on the role of Sushen Gupta, a middleman, in the Rafael deal, 11th October. Within 12 days, instead of ordering an inquiry on the Rafael issue and against Sushen Gupta, Mr. Modi's government sacks the then CBI director Mr. Alok Varma and the committee headed by Mr. There was evidence against this very middleman in Augusta Westland case as well, and your government then had not acted. Very good question. Thank you for asking this. I'll give you a detailed answer if you don't mind. Sushen Gupta was hired by Dassault in the year 2000. Whose government was Mr. Atal Bihari Vajpayee?
There are the same media part has reported in its previous expose that Mr. Sushen Gupta got crores of rupees in the period between 2000 and 2004. It was not our government, it was Mr. Vajpayee's government. But today, sitting here, can I say that Mr. Vajpayee's government indulged in some corruption? I can't, because there is no quid pro quo to prove. There was no deal with us. So how can I say that Mr. Vajpayee's government took some money through Sushen Gupta? There is no trail, there is no quid pro quo. Likewise, if Sushen Gupta, a private individual, is taking money from a private company abroad, the buck stops there. There was no deal, there is no trail. But everything else happens under this government. The documents recovered from him are dated 10th August 2015. Mr. Modi was the Prime Minister, which means Mr. Sushen Gupta was actively safeguarding the interests of his client Dassault, and I'm sorry, the Prime Minister was helping him. So this is trying to muddy the water so much that people get confused. Nobody will get confused. The deal happened under you. So if a murder happens under you, you can't have 302 under me. I had nothing to do with that murder because no deal happened. ये तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी नहीं थे, इसलिए हम जेपीसी की मांग दोहरा रहे हैं कि 526 करोड़ की चीज आपने 1670 करोड़ में खरीदी, बिना टेंडर के खरीदी, आपने नो करप्शन क्लॉज हटा के खरीदी, आपने सॉवरेन गारंटी क्लॉज हटा के खरीदी, आपने फ्रांस की कंपनी को पूरा लाभ पहुंचाया, आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर करके अनिल अंबानी को अंदर ले आए ऑफसेट एग्रीमेंट में। अब जब ये नए तथ्य सामने आए हैं कि आपकी सीबीआई के पास सुशेन गुप्ता की भूमिका पर कागज आ चुके थे 2018 अक्टूबर में, आपकी ईडी के पास मार्च 2019 में सुशेन गुप्ता की भूमिका और गोपनीय दस्तावेज सब कुछ आ चुका था, तब आपने एक्शन क्यों नहीं किया? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब सबके सामने स्पष्ट हो गई है पूरी सीन, सबके सामने पिक्चर आ गई। तो अब हम जेपीसी की मांग बुलंद आवाज में पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और यहाँ बैठकर तो उठा ही रहे, सड़क पर भी उठाएंगे। अच्छा हो गया आज सामने दिख रहे हो, आपको टीवी पे देखना पड़ता इसलिए हमने उनको आज बुला लिया। इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने जो बताया ये सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, या एक दो मुद्दे आज आपने नहीं उठाए। मोदी जी है आपका कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहे, क्योंकि वो बॉर्डर्स फॉर खेरा एंड वो बॉर्डर्स फॉर कांग्रेस, इसके लिए आपके पास क्या जवाब? यह हु बॉर्डर्स फॉर कांग्रेस आज की बात थोड़ी है, ये तो आजादी के आंदोलन में भी ये था हु बॉर्डर्स फॉर कांग्रेस, पर आजादी की लड़ाई अलग थी, ये उससे बड़ी लड़ाई, ये उससे बड़ी लड़ाई, पर गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। वी आर देयरफॉर फेसिंग द कोर्ट ऑफ द पीपल थ्रू यू, हम आपके माध्यम से जनता को मुखातिब इसलिए हो रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो रहा है। जब आपको हिंदू और मुसलमान में और फिल्म इंडस्ट्री में और यहां वहां व्यस्त रखा जा रहा है, तो क्यों व्यस्त रखा जा रहा है उसका जवाब इन कागजों में, ताकि अपने दो तीन उद्योगपतियों को आप लाभ पहुंचा सके, देश को नुकसान पहुंचा सके, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सके। और हम तो कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी सार्वजनिक करिए, क्या पता सुशेन गुप्ता ने कितने पैसे आपको दिए हैं या डसो ने किस कंपनी के माध्यम से आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे दिए, क्यों नहीं सार्वजनिक करते, करिए। तो तथ्य तो सामने आए, तो विपक्ष की भूमिका यही है, सरकार तो नहीं सुनेगी, विपक्ष हमारे किसी सरकार को है नहीं। एक सांसद ने आवाज उठाई थी कि यूरो फाइटर सस्ता दे सकता है डसॉल्ट से, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वही रोका डील को कि नहीं इसमें बात करनी चाहिए और अगर सस्ता मिल सकता है। अगस्टा वेस्टलैंड, अगस्टा वेस्टलैंड में किसने, आपने मैडम पूछा था कि अगस्टा वेस्टलैंड की जांच किसने आदेश दिया, मनमोहन सिंह जी ने दिया। अगस्टा वेस्टलैंड की डील किसने रद्द की, मनमोहन सिंह जी ने रद्द की। इन्होंने तो कल परसों अगस्टा वेस्टलैंड को क्लीन चिट दे दी, इन्होंने तो अगस्टा को डी ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो सरकार हमारी सुनेगी ये तो उम्मीद हमें है भी नहीं, जनता हमारी सुनेगी, आपके माध्यम से सुनेगी, इस उम्मीद को लेकर आपके दरवाजे पर आए। नहीं करे, वो लेखक का अपना सोच है। अब वो आरएसएस को हिंदुत्व की, आरएसएस का हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व अलग है, इस मंच पे भी हिंदू लोग बैठे हैं,
मेरा हिंदुत्व किसी में भेद नहीं करता, माफ कीजिएगा, मेरा हिंदुत्व पर मुझे गर्व है, पिछले 5000 साल से गर्व है, क्योंकि मेरा हिंदुत्व नफरत सिखा ही नहीं सकता। ये जो ला रहे हैं ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदुवाद है ही नहीं है। हिंदू ये कौन होता है ठेकेदार बनने वाले हिंदू धर्म? हमारी लड़ाई इन्हीं लोगों से है, इनकी वजह से आज हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है। हिंदू धर्म को और कभी खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक 1000 साल पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति को में आकर ये ठेकेदार बन जाएंगे स्वयं और हम चुप बैठे रहेंगे, ये हो नहीं सकता। मैडम ये आपने जो सवाल पूछा है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, जो आपने सवाल पूछा है ये एक शाश्वत सवाल है। धर्म निरपेक्षता गांधीयन धर्म निरपेक्षता है, गांधीयन धर्म निरपेक्षता है कि सब धर्मों के साथ को साथ ले लो। नेहरूवियन धर्म निरपेक्षता है कि सरकार में जब आप हो तो धर्मों से सब धर्मों से दूर रहकर संविधान को अपना धर्म मानो। तो सरकार में जब आप होते हो तो संविधान से बड़ा धर्म नहीं होता, और पार्टी आप जिस जो भी पार्टी में हो आपको सब धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए, यह होती है धर्म निरपेक्षता। और हमारी कांग्रेस की धर्म निरपेक्षता यह है, भले मेरे मन में कोई भी सोच हो, मैं हिंदूवादी हूं, ये पंथ को मानते हो, गुरुपुरब मनाते हो अच्छी तरह, हमारे भाई जगताप कुछ और मनाते हो, हमारे अतुल लौंडे जी कुछ और मनाते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपके त्योहार में भी आपके साथ मिलकर मनाऊंगा, आप मेरे त्योहार में मेरे साथ मिलकर मनाओ, ये होता है हिंदुस्तान। और अगर उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो सलमान खुर्शीद जी अगर लिख रहे हैं उनके खिलाफ तो अच्छा लिख रहे हैं, और हम बोलेंगे उनके खिलाफ भी जो जो लोग इस तरह के ठेकेदार बन रहे हैं मेरे धर्म के और मेरे देश। मतलब आप सलमान खुर्शीद को ये कहना चाहते हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों से इत्तेफाक रखती है और हिंदुओं से नहीं रखती? जो आजादी मिली थी वो भिक्षा में मिली थी, 2014 में जो आजादी मिली वो सही आजादी है, वो 1947 की बात है, तो वो उस विचारधारा की बात कर रही है जो आजकल सत्ता में है। वो विचारधारा तो उस आजादी के आंदोलन के खिलाफ थी, आज से थोड़ी थी, शुरू से थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, मुखर्जी साहब चिट्ठियां लिखते। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।